मुंबई महानगर, जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं। इतने बड़े महानगर की बिजली और पानी जैसी जरूरतों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में पानी के कई उपभोक्ता जो बिल नहीं जमा करते डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं और बीएमसी उनका कनेक्शन काटकर बिल वसूल करता है। लेकिन अगर डिफॉल्टर सूची में सीएम जैसे सूबे के मुखिया का नाम आए तो क्या कहिएगा? जी हाँ, एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि मुंबई में पानी का बिल न जमा करने वाले डिफॉल्टर्स में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बंगला वर्षा भी शामिल है। बीएमसी के मुताबिक मुख्यमंत्री के बंगले के ऊपर 7,44,981 रुपए का पानी का बिल बकाया है। जो सरकारी आवास है, सरकारी बंगले है जिसमें मंत्री रहते हैं, उस पर कुल 8 करोड़ का पानी का बकाया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई महानगर पालिका ने इन पीडब्ल्यूडी के जो 8 करोड़ बकाया हैं उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डाला हुआ है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम है राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस का जो बंगला है वर्षा, उस बंगले में 6 कनेक्शन लगे हुए हैं और तकरीबन जो कुल अमाउंट बाकी है 7,44,000 वर्षा के ऊपर बाकी है। इस लिस्ट में सीएम के साथ उनके कई मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जैसे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पर 1,45,055 रुपए बकाया हैं, तो प्रकाश मेहता पर 1,61,000 से अधिक, महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर करीब 35,000 रुपए, विष्णु सावरा पर करीब 1,82,000 रुपए और कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े पर 1,55,000 से अधिक रुपए बकाया हैं। हालांकि विनोद तावड़े की दलील है कि चूंकि वो सरकारी बंगले में रहते हैं, लिहाजा इसकी देखरेख और बिल भरने की जिम्मेदारी भी पीडब्ल्यूडी की है। मुझे लगता है कि ये बंगले सरकार के हैं, इसमें हम रहते हैं, मेरा घर तो पार्ला में है और इसलिए स्वाभाविकता पीडब्ल्यूडी इसका मेंटेनेंस करती है, तो इसकी तुरंत जानकारी मैं आज ही पीडब्ल्यूडी के मंत्री को बताऊंगा। अगर हम लोगों को समय पे बिल भरने की बात करते हैं तो मंत्रियों के, विधायकों के कमरों के, बंगलों के बिल भी तुरंत देने चाहिए। तकरीबन 1.5 दर्जन मौजूदा और पूर्व मंत्रियों के पानी के बकाया बिल की रकम 45 लाख के ऊपर है। ये वो माननीय हैं जो जनता को नजीर पेश करते हैं। अगर इनके ही बिल नहीं भरे जाते तो फिर जनता ना भरे तो भला कैसा आश्चर्य। हालांकि विपक्ष में बैठे एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहाड ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर सरकार के पास सीएम आवास का बकाया बिल भरने के पैसे ही नहीं हैं, ऐसे में सीएम के बंगले का बिल खुद भर देंगे। सबसे अजीब बात मुझे ये लगती है कि कोई गरीब अगर 100 रुपए पानी का बिल नहीं भरता है तो हमारे सतर्क अधिकारी जाके फ्रंट लाइन काट देते हैं। मुख्यमंत्री की लाइन क्या दिखाई नहीं देती क्या? और लेकिन लाइन मत काटो, मुख्यमंत्री नहा नहीं सकेंगे, नहाए नहीं उठाएंगे नहीं तो ऑफिस में नहीं आएंगे, ऑफिस में नहीं आएंगे तो फाइल नहीं सही करेंगे, फाइल नहीं सही करेंगे तो हाउस में नहीं आएंगे, हाउस में डिले हो जाएगा, पूरे महाराष्ट्र की व्यवस्था ठप हो जाएगी, तो उनका बिल मैं भर दूंगा। पानी का बिल ना भरने वालों में शिवसेना कोटे के कई मंत्रियों के नाम भी हैं। अब शिवसेना ने इसे टेक्निकल एरर करार देकर सरकार का बचाव किया है। देखिए, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो इन सब की देखभाल करता है, जो शासकीय निवास स्थान होते हैं मंत्रियों के, तो मुझे लगता है कोई टेक्निकल एरर होगा या ऐसी कुछ बात होगी। अगर इसमें कुछ जो कुछ करना है, मेरे ख्याल से जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे और ये बिल जो है वो महानगर पालिका को चुकता होगा। आम आदमी पानी के बिल 3-4 महीने ना भरे तो उसका कनेक्शन कट जाता है, ऐसे में इन वीआईपी को क्यों छूट दी गई? इस पर मुंबई के मेयर का कहना है कि कानून के मुताबिक सबसे बिल वसूल किए जाएंगे। प्रशासनाचं पूर्णपणाने लक्ष आहे आणि ते पाणी बिल हो निश्चित वसूल केलं जाणार आहे, वसूल करण्याची तशी वेळ येणार नाही आहे। राज्य सरकारकडनं निश्चितच मुंबई महापालिकेच्या ज्या देय रकमा आहेत ते राज्य शासन लवकरात लवकर महापालिकेकडे सुपूर्द करतील, ही आम्हाला खात्री आहे, आणि नाहीतर मग तो योग्य कायदेशीर प्रक्रियेला सुरुवात करावी। तो देखा आपने,
ये हमारे माननीय नेता हैं, जो हमारे बीच से चुनकर जाते हैं और हमारे सामने ही मिसाल पेश करते हैं। उनके बंगले के बिजली या पानी के बिल भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं भरने पड़ते हों, बिल सरकार भरती हो, लेकिन उनकी कोशिश होनी चाहिए कि सरकार का कोई बकाया बिल न हो, जिसके कारण सरकार को तोहमत का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।